श्री आदित्य फाइन आर्ट्स की ओर से वडोदरा में दीपावली के पर्व के मद्देनजर रंगोली प्रदर्शन का आयोजन करवाया गया है। रावपुरा की कन्या स्कूल पर दीपावली पर्व के मद्देनजर रंगोली प्रदर्शन का आयोजन हुआ है। श्री आदित्य फाइन आर्ट्स की ओर से ये रंगोली प्रदर्शन आयोजित करवाया गया है। आपको बता दें कि इस रंगोली प्रदर्शन के तहत 13 जितने कलाकार और 3 को कलाकारों ने मिलकर कई रंगोलियां तैयार कर प्रदर्शित की है। इन रंगोलियों को तैयार करने में 3 से 4 दिन का वक्त लगा था और ये रंगोलियां बेहद ही सुंदर है। विभिन्न थीम पर इन सुंदर रंगोलियों को रंगोली के कलाकारों की ओर से तैयार किया गया है। हूँ आदित्य फाइनेंस, श्री आदित्य फाइनेंस डिंडोरकर सर ने स्टूडेंट छूँ। लास्ट 7 to 8 इयर्स थी सर पास से पेंटिंग्स वगैरह सीखू छू, पर हमें सरे रंगोली तरफ हमने आग लई गया है और सर ना मार्गदर्शन हेठ अमे रंगोली बनावी है। आ रंगोली में डिटेलिंग वर्क्स जो करूँ से एम सिलाई थी लईने दोरा वर्क वगैरह बतावा है और सर मार्गदर्शन हेठ बहुज घणु सारूँ एवं अमे काम पूरु कर्यु छे। श्री आदित्य फाइन आर्ट्स तरफथी आ रंगोळीनुं एक्झिबिशन छे जे अत्यारे अमे लोको रावपुरा कन्या शाळा दुलीराम पेंडावाळानी सामे छे त्यां ऑर्गेनाइज कर्यु छे। आ एक्झिबिशन ગઈકાલે અમે ઇનોગ્રેટ કર્યું આપણા મેયર શ્રી પિંકીબેન સોની, વિજયભાઈ શાહ બીજેપીના પ્રેસિડેન્ટ વડોદરાના અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન જે છે શીતલભાઈ, એમને આનું ઇનોગ્રેશન કર્યું। અમારા રાજેન્દ્ર દિંડોરકર સર જે અમારા મેન્ટર છે એમના અંડરમાં અમે 13 સ્ટુડન્ટ જેમને આ રંગોળી બનાવી છે અને 3 કો આર્ટિસ્ટ જેમને આમાં સપોર્ટ કર્યો છે। આ રંગોળી બનાવતા અમને લગભગ 4 દિવસ થયા અને આ એક્ઝિબિશન ગઈકાલથી લઈને 17મી તારીખ સુધી ખુલ્લું છે, ઓપન ફોર ઓલ પબ્લિક માટે, અને સાંજે 4 વાગ્યાથી રાતના 9:30 સુધી એક્ઝિબિશન ખુલ્લું રહેશે।